इसको लेकर विवाद हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है इसकी, तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या सही है ये, या आप धर्म धार्मिक शास्त्र के पक्ष में खड़े हैं? देखिए, जो धर्म के विरुद्ध जाएगा वो समाप्त हो जाएगा। मिलिंद जी, ऐसी चर्चाएं हैं कि अयोध्या में भगवान राम का जो मुख्य जो गर्भगृह है उसका दरवाजा महाराष्ट्र से वहां से लकड़ी जाने वाली है, कब वो जाने वाली, क्या आप लोगों ने देख ली, और उसका प्रोसेशन कब निकलने वाला है? ऐसा प्रश्नों का उत्तर मुझे लगता है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अधिक अच्छा देगी, वो अधिकृत है इसके लिए देने के लिए। कहाँ से दरवाजे, कहाँ से क्या मंगवा रहे हैं वो, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने की है, मगर जाता होगा तो आनंद का ही विषय है। हाँ, क्यों नहीं, जहाँ पर भी हिंदू आस्था बड़ी होती हुई दिखाई देती है, दुर्भाग्य से देश के अंदर हिंदू विरोधी शक्तियाँ हैं कि जो हिंदू का गौरव आस्था देखना नहीं चाहती है, तो कैसे ऐसी बातों को डिस्क्रेडिट करना, सच या झूठ कोई भी किसी का भी सहारा लेकर ये करने का प्रयास होता है। तो संतों को बदनाम करने का तो प्रयत्न होता ही है, मंदिरों को, यात्राओं को, ये तो होता ही है सतत। एक कार्यक्रम होने वाला है जिसमें कांग्रेस और बाकी अपने जो संगठन है वो विरोध कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद कैसे देखता है? देखिए, हमारे यहाँ पे संतों के पास में मंदिरों में बहुत शक्तियाँ ये प्रकट हुआ है और इसलिए लोग श्रद्धा से जा रहे हैं, तो को अच्छा ही काम है। हाँ, क्यों नहीं, जहाँ पर भी हिंदू आस्था बड़ी होती हुई दिखाई देती है, दुर्भाग्य से देश के अंदर हिंदू विरोधी शक्तियाँ हैं कि जो हिंदू का गौरव आस्था देखना नहीं चाहती है, तो कैसे ऐसी बातों को डिस्क्रेडिट करना, सच या झूठ कोई भी किसी का भी सहारा लेकर, तो ये करने का प्रयास होता है। तो संतों को बदनाम करने का तो प्रयत्न होता ही है, मंदिरों को, यात्राओं को, ये तो होता ही है सतत। जी, तो ये गलत है और ये यशस्वी नहीं होगा, ये मैंने कहा ही है पहले। शास्त्री जी अक्सर कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, अब आपका संत परिवार का देश पिता कच्चा तो हिंदू राष्ट्र क्या है, और यदि आप प्रकाश डाल सके तो शास्त्री जी का शास्त्री जी ने तो अपना मत बता ही दिया है, तो उसके बारे में उनको पूछना ज़्यादा ठीक रहेगा। हिंदू राष्ट्र की दृष्टि से विश्व हिंदू परिषद यही सोचती है कि हिंदू राष्ट्र है ही, उसको घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा, और उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। हमारा जो कार्य है वो उस हिंदू राष्ट्र को प्रबल करना, प्रभावी करना, अधिक संगठित स्वरूप देना, ये हमारा कार्य है। नहीं, आई थिंक इट इज द इग्नोरेंस अबाउट द टर्म हिंदू राष्ट्र। द राष्ट्र संकल्पना इज नॉट अ जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, वो भू राजनैतिक संकल्पना नहीं है, इट इज अ जियो कल्चरल कॉन्सेप्ट, इसलिए राजनीति से उसका कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए वो थियोक्रेटिक स्टेट इन द सेंस कि सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान है, उस अर्थ में नहीं है। हमारे यहाँ पर एक राष्ट्र और अनेक राज्य ये पहले भी थे, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैकड़ों रियासतों को एकत्र लाया तो इतनी प्रिंसली स्टेट भारत में पहले से ही थी, मगर राष्ट्र एक था इसलिए आसानी से एकत्र आ गए। तो ये तो एक अनुस्यूत धारा हजारों लाखों वर्षों से हमारे देश में, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। तो राष्ट्र जब हम कहते हैं तो हम इस बारे में बात करते हैं, इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट।